क्या मामले हैं आपको, इसकी सबसे आश्वासन क्या मिला है? जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं डुमराव निनुआ की निवासी हूँ और वहाँ डुमराव में सटे खिरौली गांव के वार्ड नंबर 1 के अभियुक्त उपेंद्र कुमार गौतम और उनकी पत्नी पुष्पांजलि देवी के द्वारा एक केस मैंने दर्ज किया था 159-59, जिसमें कि वो जेल भी गए थे और जेल से सजा काट कर निकले हुए हैं और तब से मुझे लगातार धमकियाँ फिर मिल रही हैं और जान से मारने के लिए 24 तारीख को गत डुमराव में शोभा यात्रा निकला हुआ था जिसमें मुझे जान से मारने की नियत बनाकर पति पत्नी दोनों आए हुए थे और मेरा पीछा कर रहे थे। इस संदर्भ में मैंने एसपी सर से न्याय की गुहार लगाने आई थी। क्या कहेंगे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, अब कहाँ तक न्याय मिलता है मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपना न्याय लेकर आई थी, यहाँ गुहार लगाई हूँ, आगे न्याय की इच्छा रखती हूँ। कुछ तो कहे एसपी साहब ने? अभी तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जांच हो रही है, जांच होगी, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मामला का पुराना है? मामला पुराना है जिसमें लगातार रंगदारी रंगदारी मांगा जा रहा था और लगातार गालियां और धमकियां दी जा रही थी, जिसमें कि मैंने केस किया था और दर्ज हुआ था, जिसमें 1 महीना 6 दिन की सजा काट कर वो बाहर आए हुए हैं और अभी उनका कहना है कि मैं कृष्ण का अवतार लेकर आया हूँ, अभी संहार करने वाला हूँ। उपेंद्र जी बोले थे यहाँ पे कि आप उनके साथ मतलब कि धोखाधड़ी की है, 15 लाख रुपया का भी वह बात चला था। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक षड्यंत्र रचा हुआ है, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है और ये कहाँ से हो रहा है ये तो ईश्वर ही जाने। क्योंकि उनके आवेदन में लिखा हुआ है ये चीज़। जी, आवेदन सारा गलत, जो केस है वो फॉल्स हो गया है, फॉल्स पाया गया है, गलत पाया गया है। पुलिस अनुसंधान में पुलिस ने पूरी जांच करी, काफ़ी समय लगा, 1 साल लग गया जांच करने में, जिसमें कि वो गलत पाया गया है, लेकिन लगातार गलती पे गलती लोग करते आ रहे हैं और मैं तो कानून का सहारा लेकर बैठी हुई हूँ। DIG तक गई है? जी, मैंने DIG IG सभी का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे न्याय मिला, लेकिन फिर से इन लोगों ने गलत करना स्टार्ट किया है। क्या चाहती है आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले। क्या लग रहा है कि इस वक्त ऐसे पुलिस प्रशासन से आपको न्याय मिलेगा? मैं आशा यही लेकर आई हूँ कि न्याय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए यही आशा लेकर आई हूँ कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि हम लोग गलत लोग हैं नहीं, एक सभ्य महिला सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं और एक पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में काम करती आई हूँ और पार्टी की वर्कर हूँ और इस नाते मुझे समाज सेवा में बराबर बाहर आना जाना होता रहता है और ऐसी जान मारने की धमकी दी जा रही है लगातार फ़ोन के माध्यम से पति पत्नी दोनों उपेंद्र चौबे और पुष्पांजलि देवी के द्वारा। पिंकी पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह क्षेत्रीय प्रभारी BJP।